आईफोन 15 के कुछ लीक्स आए हैं मेरे पास, जो कि आईफोन 14 में किया है, नॉच को हटाकर होल पंच किया है। उसी तरीके का डिस्प्ले आईफोन 15 में देखने को मिलेगा टोटली ऑल मॉडल पे। लेकिन इस बार आप लोगों को आईफोन 14 लेना चाहिए या 13 लेना चाहिए, वो ये वीडियो देखने से ही आप लोगों को पूरा मालूम चल जाएगा कि इस बार एप्पल ने क्या डेवलप किया है 14 प्रो में या 14 में। ये उन लोगों के लिए है जो एप्पल लेना चाहता है, एप्पल पसंद करते हैं, लेकिन फ़ोन सभी अच्छे हैं, 13 भी अच्छे, 14 भी अच्छे हैं, लेकिन जो प्रोसेसर की बात की जाए वो सेम प्रोसेसर है। हालांकि जो प्रो मॉडल पे भी दिया गया है A16 बायोनिक चिप, उसमें भी सेम GPU सेम CPU है, और A14 में भी वही सेम CPU सेम GPU। चलिए आइए मैं एप्पल की वेबसाइट से मैं उसको दिखाऊंगा आप लोगों को, कि आप लोगों को पूरा मालूम चल जाए कि क्या है। मैं एप्पल की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, दो सेट को मैं कंपेयर करूँगा ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल्स मालूम चले। यह है कैमरा की डिटेल्स, मेन मेरा फोकस है इसकी प्रोसेसर पे, जो कि मोबाइल को फास्ट करता है। देखिए प्रो मैक्स प्रो, इसमें सेम 5 कोर GPU 6 कोर CPU। यही अगर हम कंपेयर करेंगे 13 में तो वही दिखेगा। देखिए दोस्तों A15 बायोनिक चिप 6 कोर CPU 5 कोर GPU सेम, खाली नाम को बदला गया है A16, बाकी अंदर का चीज़ तो वही है, लेकिन फास्ट है A16 A15 फास्ट है। और जो आईफोन 13 प्रो में चिप डाला गया था, इस बार का आईफोन 14 में ही वही चिप डाला गया है। दोस्तों आप लोगों की चॉइस है, आप लोग दोनों फ़ोन ही ले सकते हैं, आईफोन 14 भी अच्छा है, आईफोन 13 भी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है प्रोसेसर। लेकिन जो आईफोन 15 में आएगा 4 नैनोमीटर का चिपसेट आने वाला, इस फ़ोन की वजह से वो उसमें 3 नैनोमीटर चिप को लाने का बारे में सोच रहा है। लेकिन 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसा हम लोग पूरा श्योर नहीं है। जैसी लीक आते रहेगा हम लोग आप लोगों को अपडेट देंगे। हम 100% आप लोगों को रियल वीडियो पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही डिटेल्स पहुंचे। हम बहुत सारे कंपेयर करके देखा है कि ये वीडियो में हम सच्चाई को लाए। आप लोग दोनों ही फ़ोन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब।